दोस्तों, हमारी जीवन शैली, खान पान और नींद की गुणवत्ता का हमारे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण अध्ययनों के अनुसार रात में अच्छी नींद लेने पर विशेष जोर दिया जाता है। वैज्ञानिक के शोध बताते हैं कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती, उनमें तनाव, चिंता, अवसाद सहित कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम अधिक हो सकता है, जो किसी भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इसका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर होता है। नींद पूरी ना कर पाने वाले लोग में हृदय रोग और मधुमेह और बहुत सी बीमारियों का जोखिम अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सभी लोगों को रात में कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि सोने का तरीका भी आपकी सेहत को प्रभावित करता है और आपके सोने की स्थिति से आपके जीवन में बेहद प्रभाव पड़ सकता है। आप किस तरह से बेड पर सोते हैं, इसका भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है। आयुर्वेद में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि अलग अलग दिशाओं में सिर करके सोने से भी सेहत पर क्या असर हो सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं, साथ ही जानते हैं कि किस दिशा में सिर करके सोने को विशेषज्ञ अधिक फायदेमंद मानते हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आयुर्वेद शास्त्र में किस तरफ सिर करके सोने से क्या लाभ होता है, इसका जिक्र मिलता है। आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार पूर्व दिशा में सिर करके सोना कुछ स्थितियों में आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यदि आप मन को शांत करें, याददाश्त को बढ़ावा देने, रक्त संचारण को ठीक रखना चाहते हैं, तो इस दिशा में सिर करके सोने से आपको बेहद ज्यादा लाभ मिल सकता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी दिशा में सिर करके सोने को वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। यह आपकी नींद को बाधित कर सकता है। इस दिशा में सिर करने से नींद में संबंधित विकारों का जोखिम होता है, जो कि अच्छी नींद के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। आरामदायक नींद के लिए विशेषज्ञ इस दिशा को उपयुक्त नहीं मानते हैं। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में सिर करके सोने को उचित नहीं माना जाता है। उत्तर दिशा में सिर करके सोने से विद्युत चुंबकीय शक्ति के कारण अच्छी नींद नहीं मिल पाती है। उत्तर में सिर होने से घनात्मक आवेश होता है, जिससे नींद बाधित हो सकती है। आयुर्वेदिक रूप से इस दिशा में सिर करके सोने से रक्त परिसंचरण प्रभावित होने, तनाव और मन की अशांति जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण दिशा में भी सिर करके सोना फायदेमंद हो सकता है। दक्षिण की ओर सिर करके सोने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और साथ ही नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। कुछ शोध और वास्तु शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस दिशा में सिर करके सोने के लाभ होते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली नींद प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यह मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।